आज 27 अप्रैल को आईपीएल 2024 में दो मुकाबले खेले जाएंगे और आज के दोनों मुकाबले एक से बढ़कर एक होंगे। इसलिए आज के मैच के आरंभ होने से पहले आज के दोनों मैच के बारे में कुछ खास जानकारी यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज पहला मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 पर आरंभ होगा। आज पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल का सामना मुंबई इंडियंस की टीम से होगा। यह मुकाबला बेहद ही खास है क्योंकि आज दोनों ही टीम को इस मैच में जीत की सख्त जरूरत है। जो टीम इस मैच को हारेगी वह टीम प्लेऑफ के रेस से लगभग बाहर हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ दिल्ली कैपिटल की टीम इस सीजन में अभी तक 9 मुकाबला खेली है और उसे सिर्फ 4 मैच में जीत मिली है, यानी दिल्ली कैपिटल के पास अभी सिर्फ 8 अंक हैं और यह दिल्ली कैपिटल का 10वां मुकाबला है। यानी आज का मुकाबला अगर दिल्ली कैपिटल की टीम हारती है तो उसे प्लेऑफ में जाने के लिए अपने बचे हुए 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। यानी दिल्ली के लिए आज की हार के बाद हर मुकाबला करो या मरो का मुकाबला होगा। वहीं मुंबई के लिए भी लगभग ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में 8 मुकाबला खेली है और उसे 3 मैच में जीत मिली है। यानी मुंबई के पास भी पॉइंट टेबल में अभी सिर्फ 6 अंक है और प्लेऑफ में जाने के लिए मुंबई को भी अभी कम से कम 10 अंक की और जरूरत है। यानी 5 मैच में उसे जीत मिलेगी तभी मुंबई की टीम प्लेऑफ में पहुंच पाएगी। आज मुंबई की टीम इस सीजन में अपना 9वां मुकाबला खेलने उतरेगी। आज अगर मुंबई की टीम इस मैच को हार जाती है तो फिर मुंबई के 5 मैच बचेंगे और मुंबई को भी प्लेऑफ में जाने के लिए बचे हुए हर मुकाबले करो या मरो की तरह खेलने होंगे। इस सीजन में दोनों ही टीम के बीच एक बार वानखेड़े स्टेडियम में मुलाकात हो चुकी है, जहाँ मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 29 रन के अंतर से हराया था। लेकिन आज का मुकाबला दिल्ली के होम ग्राउंड अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीजन में इस स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल का प्रदर्शन शानदार है, इसलिए आज दिल्ली कैपिटल को मुंबई के लिए हराना आसान नहीं होगा। आज का यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 पर आरंभ होगा। वहीं आज शाम का मुकाबला भी बेहद ही खास है, क्योंकि आज शाम के मैच में एक तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम होगी तो दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम होगी। इस समय राजस्थान रॉयल्स की टीम 14 अंक लेकर पॉइंट टेबल में टॉप पर बनी हुई है। आज अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा देती है तो फिर आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी राजस्थान रॉयल्स की टीम। वहीं अगर आज लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस मैच में राजस्थान रॉयल्स को हरा देती है तो फिर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी प्लेऑफ के दरवाजे पर दस्तक दे देगी। इस सीजन में दोनों ही टीम के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में एक मुकाबला हो चुका है, जहां राजस्थान रॉयल्स को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीत मिली। लेकिन आज का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के घर में है, यानी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने होम ग्राउंड इकाना स्टेडियम में खेलने उतरेगी। इसलिए आज लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपने होम ग्राउंड में राजस्थान रॉयल्स को हराकर अपने हार का बदला लेना चाहेगी। अभी तक दोनों ही टीम के बीच आईपीएल के इतिहास में सिर्फ 4 मुकाबले ही खेले जा चुके हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स को लखनऊ के खिलाफ 3 मैच में जीत मिली है, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को राजस्थान के खिलाफ सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है। तो ये आंकड़े राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में हैं। लेकिन आज इकाना स्टेडियम में दोनों के बीच कड़ा संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। आज भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला शाम 7:30 पर आरंभ होगा।